आजकल तीर्थ यात्रा में भी तीर्थों में भी लोगन का वीवीआईपी व्यवस्था छाना, कपड़ा खराब ना हो जाए, सोने को डबल रूम बेडरूम मिल जाए, पूरे भोग की वस्तुएं मिल जाएं, आ रहा फिर तो आदमी सोचा हम स्वर्ग में आ गए। अरे साधुओं, तीर्थ घूमने का स्पॉट नहीं है, तीर्थ तो दर्शन का स्थान है। तीर्थ में जाकर के रज नहीं लगी, तीर्थ में जाकर स्नान नहीं करे, आजकल आदमी स्नान ही नहीं करे ना, कल यहां क्या नहाएंगे, गंदा है पानी, ते कितनों गंदो है अपनी तरफ नहीं देखा था, तीरथ को गंदा बताता है, तीरथ के जल को गंदा बताता है। तेरे अंदर भी तो भैया काम भरो, क्रोध भरो, ईर्षा भरी, द्वेष भरो, ना जाने तेने कितने करिया कर्म करे आगे के लगे, अपने करिया कर्म तो नक्कटा ठटरी के बरे दिखा नहीं रहा, तीर्थ का जल, गंगा का जल, जमुना का जल तुझे गंदा दिखाई पड़ रहा, हम तब मानेंगे तुझे जब तू निर्मल हो तो तुझे गंगा और जमुना भी निर्मल मिलेगी। गंगा और जमुना उसको वैसी ही दिखाई देती जो जितना ज्यादा गंदा होता है। बोलो सीताराम। तीरथ भी विचित्र, पहले के जमाने में तीरथ पैदल जाया करते थे, आज के जमाने में बिना हवाई जहाज के तीरथ नहीं होता, हाँ चील गाड़ी जाने, चील गाड़ी तीर्थ भी वहीं जाता है जहां चील गाड़ी, चील फड़ हो, एयरपोर्ट को कहते हैं बुंदेली भाषा में चील फड़, हाँ चील फड़, हवाई जहाज को कहते हैं चील गाड़ी। जमाना बड़ा विचित्र है,